ओके, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन ईटा पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। तो देखो ना, हमारे पास ऑक्सीडेशन कर रहा है पेन टू ओन टू पेंटनोन, ये सी सी डबल बॉन्ड ओ सी सी सी। तो देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ टूटेगा, टू कार्बन वाला हमारे पास एक देगा, तो दैट्स विल बी एथनोइक एसिड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ इस तरफ जो ओ लगा होगा वही हमारे पास एसिड देगा। ठीक है, ओ ओ ग्रुप वाला, तो ये इस तरफ दो कार्बन है तो एथनोइक एसिड। अल्कीन प्लस ओ थ्री गिव अस ओजोनाइड, जिंक प्लस एच टू प्रोपन प्लस फोर, द आयोपेक नेम ऑफ अल्कीन। त्रिपो अल्कीन का आयोपेक नेम हमारे पास, देखो प्रोपनोन भी तीन कार्बन वाला है, प्रोपनॉल भी तीन कार्बन वाला है हमारे पास, तो इसका मतलब है छः कार्बन तो लाजमी है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोड, अब ये पहले पहले ये डी वाला कर लो। ठीक है, पेंट है यानी पांच कार्बन है, दो तीन चार पाँच, टू मिथाइल यहाँ पे सी एच थ्री लगा हुआ है, पेन टू इन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, अब देखो जब ये एक हमारे पास कह रहा है कि तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड दे रहा है और तीन कार्बन, अब देखो जब टूटता है ना बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड से टूटेगा। ठीक है, ये कीटोन है एक तीन कार्बन वाला आर सी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा, इधर भी हमारे पास डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच, तो ये तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तीन कार्बन वाला कीटोन है, तो यही से बाकी इन पे आप इसी तरह कर लो ना, इन पे हमारे पास नहीं होगा। व्हिच आर द फॉलोइंग वुड सजेस्ट टू बी, ये एल्डिहाइड है ये कीटोन है, इनके दरमियान हम टॉलरेंस रिएजेंट, तो जो एल्डिहाइड देगा ठीक है तो इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फेलिंग सोल्यूशन इज एडेड टू द फॉलोइंग कंपाउंड, सेलेक्ट वन दैट शो पॉजिटिव टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइड के लिए होता है, द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो जिंक एमलगम हम क्लेमेंसन में यूज करते हैं। सेलेक्ट द टेस्ट यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए, बेंडेक्ट सोल्यूशन टेस्ट हमारे पास करेक्ट है। कार्बोनिल में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट कार्बोनिल ग्रुप, द थ्री एटम जो होते हैं ना वो एक ही प्लेन में होते हैं, उनके sp2 है 120 एंगल होता है तो वो एक ही प्लेन में है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है, द कन्वर्जन ऑफ इथाइन टू एसिटाल्डिहाइड, तो इट आकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट HgSO4, द कन्वर्जन ऑफ इथाइन टिक HgSO4 आयरन ऑक्साइड 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, ये मैं एक मिनट कंफर्म भी कर दूँ आप लोग, ऐसे ना हो कि ये हमारे पास इनका कैटलिस्ट है ना, ये हमारे पास बुक वगैरह में मेंशन होते हैं किसी न किसी में। ठीक है, तो अगर आप लोग ईटा दे रहे हैं तो के पी तो बिल बिल्कुल ज़बरदस्त है। हाँ ये इससे ही एच टू एस ओ फोर, ये टेम्परेचर का थोड़ा फ़र्क है, एच जी एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर 100 डिग्री इसके आसपास है हमारे पास। ठीक है, कीटोन आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट विद एच टू, कीटोन जो होते हैं ना ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल से आते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड होता तो वो फिर हम प्राइमरी लगाते हैं उसके लिए। 7-10 है आइसो प्रोपाइल होगा अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस एच टू सल्फेट गिव, क्या देगा हमारे पास अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करोगे, लास्ट प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन का हमारे पास क्या होता है, कार्बोजिलिक एसिड होता है ना, तो एथनोइक एसिड। और द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो हमारे पास sp2 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और एसिटाल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करो चाहे कीटोन की करो, बनेगा तो कार्बोजिलिक एसिड, तो ए ऑप्शन ही आपके पास इसमें करेक्ट है। और ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड, टॉलरेंस भी एल्डिहाइड के लिए होता है, फेलिंग भी एल्डिहाइड, बेंडिंग भी, बायर रिएजेंट नहीं होता वो, तो वो डबल बॉन्ड के लिए। एसिटाल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद फेलिंग सोल्यूशन फॉर्म, तो ये कॉपर ऑक्साइड बट कौन सा, प्लस टू वाला। ठीक है, हमारे पास सी यू टू इसकी वजह से होता है। एल्डिहाइड मे बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कीटोन बाई द यूज ऑफ, नहीं देखो ना सी यू प्लस टू वाला होता तो सी यू प्लस वन तो कलरलेस होता है, माइनस टू ये प्लस, ये नहीं, ये सी यू ओ होता हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर सी यू टू ओ, मैं कलर देख लेता हूँ कौन सा करेक्ट है, सी यू टू ओ कलर हमारे पास, हाँ सी यू टू ओ जो है ना ये हमारे पास रेड कलर है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये डी वाला करेक्ट कर लो, ये पूरे कंपाउंड ये रेड होता है। ठीक है, इस वजह से, और ये ब्लैक कलर वाला हमारे पास ऑलमोस्ट। एल्डिहाइड मे बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कीटोन,
तो टॉलन रिएजेंट हमारे पास करेक्ट है। मेटाफॉर्मल डिहाइड इज अ ट्राइमर, आप देखो एल्डिहाइड है तो मेथनॉल हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ये भी एल्डिहाइड है और मेटा है तो मेथा फॉर्मल डिहाइड है ना, मीन्स एक कार्बन वाला, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग विल गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग, तो एल्डिहाइड जो होते हैं ना वो देते हैं, तो फॉर्मल डिहाइड हमारे पास हो जाएगा। और फॉर्मल डिहाइड इज यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ पैरासो एनालिन हमारे पास, रिडक्शन ऑफ एसिटल डिहाइड हमारे पास रिडक्शन है ना विद वीक एजेंट, तो फिर अल्केन तक नहीं जाएगा, एथेनॉल यहाँ पे रुक जाएगा। मेथनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, ठीक है, मेथनॉल है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी तो एक कार्बन है तो ये दो कार्बन वाला देंगे। द कंपाउंड एल्डिहाइड हाइड्रोजोन, ये NNH2 हाइड्रोजोन है और उस तरफ ये एल्डिहाइड है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपके पास। ओके, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।